एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीधे रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी जीत के बाद अब पहला दौरा दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से निकल चुके हैं और हिंडन एयरपोर्ट से यूपी सदन जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर के बाद में मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो एक बड़ी जीत के बाद दिल्ली का उनका पहला दौरा है, और पहले दौरे में यूपी सदन को किस तरीके से सजाया गया है ये भी हम लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब एक बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी सदन आ रहे हैं। तो इस खुशी में यूपी सदन को भी फूलों से पूरी तरीके से सजा दिया गया है उनके स्वागत के लिए, और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। लखनऊ से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और आज दिल्ली में कई बैठकें भी होंगी और कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी होगी योगी आदित्यनाथ की। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात शाम 5 बजे हो सकती है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उससे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। तो एक बड़ी जीत के बाद ये पहली मुलाकात होगी, और इसी के साथ में इस मुलाकात में कई बैठकें भी होंगी, और जानकारी ये भी मिल रही है कि ये बैठकों का सिलसिला लंबा चल सकता है, यानी कि आज के साथ साथ कल भी कई बैठकें की जा सकती है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कई ऐसे चेहरे जो योगी कैबिनेट में तो थे लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, तो ऐसे में उनको एडजस्ट भी करना जरूरी है, और साथ ही जो नए लोग जीत करके आए हैं उनको भी मंत्रिमंडल में किस तरीके से शामिल किया जाएगा, किसको क्या प्रभार दिया जाएगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा। क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाले 2024 के इलेक्शन पर अब भारतीय जनता पार्टी की सीधी नजर है, क्योंकि अब जो बड़ा एग्जाम होगा वो है 2024 का। 2022 के इलेक्शंस को यूनिट टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, और अब जब यूनिट टेस्ट में एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है तो 2024 यानी कि एक बड़े एग्जाम की तैयारी को लेकर के किस तरीके से मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होने चाहिए जो कि 2024 में भी बीजेपी को फायदा पहुंचाए, उस पर सीधे तौर पर आज मंथन होगा। और इसी मंथन के लिए योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनके स्वागत के लिए यूपी सदन को सजा दिया गया है, और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से, माफ कीजिएगा, लखनऊ से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। तो ये पूरा काफिला योगी आदित्यनाथ का, और अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और दिल्ली पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में। और दिल्ली में सीधे तौर पर देखा जाए तो यूपी सरकार में कौन कौन से मंत्रिमंडल में चेहरे होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, किसको क्या कुछ प्रभार दिया जाएगा, किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी, बैठकें होंगी दिल्ली के अंदर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और ये उनका काफिला न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उनका काफिला रवाना हो चुका है और अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप बता दें कि पीयूष तिवारी इस वक्त यूपी सदन में ही मौजूद हैं और लगातार पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष, अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से तो रवाना हो चुके हैं और कितनी देर में दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि इंतजार यूपी सदन में काफी बेसब्री के साथ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सदन के बाहर जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पे डांस कर रहे हैं। खुशी है, उत्साह है, एक जोश है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, गाने बज रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से उत्साह है। उत्तर सदन के बाहर हम मौजूद हैं, और सबसे खास बात एक तस्वीर आप देखिए, जिस दौरान चुनाव थे उस दौरान की ये तस्वीर, सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर लेकर कार्यकर्ता आए हुए हैं। कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, यहाँ पे गाने बज रहे हैं। करीब करीब 1 से 1 घंटे के आसपास का वो वक्त बचा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद होंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सदन आएंगे। यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो हाई है, और हम बातचीत करते हैं। आज सीएम योगी यहाँ पे आ रहे हैं प्रचंड जीत के बाद। बहुत बहुत स्वागत है बाबा का। उन्होंने जो विश्व में हिंदुत्व का झंडा फहराया है वो विश्व पटल पे जाएगा,
हिंदुस्तान में ही नहीं, उन्होंने बाहर के हिंदुओं को भी जगाया है और अब हिंदुत्व जाग चुका है। आप तस्वीर लेके आए हैं, इस तस्वीर की चर्चा काफी उत्तर प्रदेश चुनाव में हुई थी। सर, ये हम योगी जी दोबारा सीएम बन के आए हैं, उनके पदार्पण पे उनका स्वागत करने के लिए हिंदू या वाहिनी आई है। हमारे अध्यक्ष साहब दिनेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम उनको सरप्रेम भेंट देना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यहाँ पे आज आप लोग आए हुए हैं, एक वक्त था जब काफी बुलडोजर का भी जिक्र हुआ, आज सरकार कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की आप लोगों ने बनवा दी, कितने खुश? हाँ, तो जो गलत काम थे, अवैध कब्जे थे, जो भी माफिया थे, उनके लिए बुलडोजर है, बाकी सबके लिए सुशासन है, उनके लिए गाड़ी है बिठाने के लिए, सर कराने के लिए अच्छी सवारी है, तो बुलडोजर जो है वो बुराई का अंत करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश है और यहाँ पे कार्यकर्ता झूम रहे हैं और एक उत्साह है, प्रभु श्री राम के नारे लग रहे हैं और वो गाने बज रहे हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान सभी लोगों को सुनने को मिले थे, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में सुनने को मिले थे। बिल्कुल पीयूष, वाकई काफी उत्साह, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह है और तस्वीर भी हम लगातार देख रहे हैं जो यूपी सदन में, पूरा यूपी सदन को जो सजाया गया है। लेकिन इसके अलावा यूपी सदन के अंदर की अगर बात करें तो क्या कोई नेता अभी वहां पर पहुंच चुका है जो कि योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए तैयार हो वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अश्वनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पक्ष भी रखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अभी कोई बड़ा जो चेहरा है वो यहाँ पे नहीं आया हुआ है, चूंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, चूंकि 9 बजे का समय बताया गया था कि वो दिल्ली उत्तर प्रदेश सदन पहुंच जाएंगे, कार्यकर्ता 9 बजे से ही यहां पे डटे हुए हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, लेकिन कोई किसी कारणवश ये विलंब हो रहा है और भी कार्यकर्ता यहां पे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी यहां पे आएंगे, चाहे हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें या राधा मोहन सिंह की बात करें जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो काफी हाई है, लगातार करीब करीब 2 घंटे से यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में बहुमत मिला है, प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर है। जी पीयूष, अगर देखा जाए तो आपसे कुछ ही देर का इंतजार जब योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचेंगे, लेकिन अगर आज के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे नाम है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है जिनसे आज योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों से योगी आदित्यनाथ के साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह की भी मुलाकात होनी है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल बनाना है, गठन करना है, उसको लेकर कई नामों पे मुहर लगानी है। इसके अलावा प्रचंड जीत के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे, 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी, तो उस पे नजर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हो सकती है, अनुराग ठाकुर से मुलाकात हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रभारी हो राधा मोहन सिंह हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, तमाम लोग दिल्ली दौरे पे आए हुए हैं और बड़े बड़े दिल्ली के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात होगी, संभव है कि एक बैठक भी हो जाए, क्योंकि कई नामों पे मुहर लगाना है, कई नामों पे संशय है कि किनको मंत्रिमंडल में जगह देनी है, किनको नहीं देनी है। राजेश्वर सिंह का नाम चल रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, संजय निषाद की पार्टी के से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, अपना दल से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा दयाशंकर सिंह जो कि स्वाति सिंह के पति हैं, वो भी चुनाव जीते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं मंत्री बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम की बात करें, ब्राह्मण चेहरे पे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, चूंकि लोकसभा के चुनाव है 2024 में, बिल्कुल जातिगत समीकरण को भी साधना है, तो भारतीय जनता पार्टी सभी रणनीतियों पर मंथन करेगी, चर्चा करेगी, इसके बाद कोई फैसला लेगी। बिल्कुल पीयूष, अगर देखा जाए तो हर बार यही कहा जाता है कि लोकसभा का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है, तो अब उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा थी वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पास की जा चुकी है, वो तो उसमें तो सफल हो गए, लेकिन अब 2024 के इलेक्शन पर सीधी नजर है बीजेपी की। जी बिल्कुल, अब 2024 की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डांस हो रहा है, लेकिन
जिस प्रकार से 2024 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सिंगल सीट पे नुकसान हो। अगर नुकसान होता है तो सीधा असर इसका लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सांसद आते हैं, यही कारण है कि आप देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो मजबूत रहा है, बाबा का बुलडोजर निश्चित तौर पे चला है। किसान आंदोलन का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लखीमपुर मामले का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना विपक्ष के दल सोच रहे थे, चाहे अखिलेश यादव सोच रहे थे, जयंत चौधरी सोच रहे थे या ओम प्रकाश राजभर, तमाम लोगों ने सोचा था कि अब की बार सत्ता शायद पलट जाएगी, किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा, लखीमपुर मामले से नुकसान हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, यही कारण है क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया था, राशन को मुद्दा बनाया था, तो वो कहीं ना कहीं जनता को भाया और जनता ने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। निश्चित तौर पर लोकसभा की तैयारी, अब प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं उतर चुके हैं, आप देखिए कल ही गुजरात के दौरे पे थे। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत रही है, खूबी रही है कि एक राज्य में जीत के बाद वो आराम से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं बैठते हैं, चाहे वो बड़े कार्यकर्ता हो या खुद प्रधानमंत्री हो। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी एक मजबूत स्थिति में है, उसके कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पे काम किया है, सभी ने, प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, क्योंकि जिस प्रकार से बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को पहुंचाने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है और वो किया भी है। निश्चित तौर पे कुछ सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रही है, संभव है। बिल्कुल पीयूष, नुकसान चाहे बेशक हुआ हो, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के बनने जा रही है, और यही खुशी कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है, उनके चेहरे पर आसानी से झलक रही है। तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं जहां पर सरकार गठन पर बीजेपी की तरफ से सूत्रों का खुलासा इस वक्त हुआ है और न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना इस वक्त जताई जा रही है और 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह संभव नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सिर्फ न्यूज वन इंडिया पर आपको दे रहे हैं, और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये सबसे बड़ी जानकारी सिर्फ न्यूज ऑन इंडिया पर हम दे रहे हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह उत्तराखंड के अंदर हो सकता है और उससे पहले 19 तारीख को विधानमंडल के जो नेता है उनके साथ बैठक होगी। देखिए, कल न्यूज ऑन इंडिया ने सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि होलाष्टक के कारण सरकार गठन का काम अब देर से होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी मैथोलॉजी को बहुत मानती है जी, और उसके पास बहुमत है, उसे बहुत चिंता होने की आवश्यकता भी नहीं है। अब चूंकि यदि आज देखें तो 13 तारीख दिन रविवार है, शाम तक बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक होनी है जी। 17 तारीख को होली का पर्व है, तो 2 से 3 दिनों में ऑब्जर्वर्स का आना, क्योंकि उनको अपने क्षेत्रों में होली देखनी है और विधायकों को भी क्षेत्र में रहना है, और साथ ही होलाष्टक भी लगा हुआ है जी। लिहाजा 19 तारीख का दिन यानी होली के ठीक अगला दिन जो होगा, दिन शनिवार 19 तारीख, उस दिन विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। यानी विधानमंडल दल की वो बैठक होती है जिसमें नेता विधानमंडल दल यानी सरकार का नया सरदार, सरकार का नया मुख्यमंत्री कौन है, इसका ऐलान हो जाएगा। ये वो औपचारिकता होती है विधानमंडल दल की जो होती है। इसके ठीक बाद 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है जो कि दिन रविवार है, और 21 को सदन भी हो सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है, क्योंकि 22 तक संभवतः विधानसभा का समय मौजूदा सरकार के पास है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में व मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री व मंत्री काम कर रहे हैं, हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं और सरकार का समय है, लिहाजा वो कार्यवाहक है। थोड़ी देर पहले जो मेरी दिल्ली सूत्रों से बात हुई, उन्होंने इस ओर संकेत दिए हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो बड़े रणनीतिकार हैं, चालक हैं पार्टी के, उनसे चर्चा वार्ता के बाद 19 का दिन मुकर्रर हो सकता है। जी बिल्कुल सुदीप, और ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी अपडेट हमारे पास आई है, हम लगातार अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी के 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक की संभावना है और 20 मार्च को बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी हरदोई से, जहां पर समाजवादी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। एडीएम के चालक ने यह एफआईआर दर्ज कराई है और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई समाजवादी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं पर की गई है। दरअसल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा किया गया था और अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईवीएम के पूरे मामले को लेकर के तो समाजवादी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरदोई से, जहां पर एडीएम के चालक ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में एक दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आई। दरअसल सीतापुर चौकी क्षेत्र के राघवपुरी मोहल्ले में 8 साल के एक मासूम की पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव के 3 टुकड़े करके डिब्बे में बंद करके घर में ही छिपा दिया। लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तब जाकर लोगों को इस पूरे मामले की भनक लगी। बताया जा रहा है कि बच्चा 4 दिन पहले से लापता था, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और लापरवाही बरती। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने इस दौरान जमकर हंगामा भी काटा, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सूचना मिलते ही एसपी धवल जायसवाल, कोतवाल राजीव कुमार और सीतापुर चौकी प्रभारी प्रवीण फोर्स के साथ में वहां पहुंचे। पुलिस टीम शव को जब ले जाने लगी तो परिजन और ग्रामीणों ने रास्ता रोक लिया और फिलहाल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 8 तारीख को एक बालक के लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल 8 तारीख को ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बालक की तलाश के लिए टीमों का गठन किया था और लगातार उसकी तलाश जारी थी। आज उस बालक का शव उसके ही एक पट्टीदारी के चाचा लगते हैं उनके घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि बुलंदशहर में न्यूज ऑन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल न्यूज ऑन इंडिया ने कल एक खबर को बड़े पुख्ता के साथ दिखाया था। व्यापारी की हत्या बुलंदशहर के अंदर की गई और अब इस पूरे मामले में टीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। सियाना कोतवाली प्रभारी को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल कल व्यापारी से लूट हुई थी और लूट के बाद में गोली उसको मार दी गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में व्यापारी की मौत हो गई। न्यूज ऑन इंडिया ने इस खबर को शुरू से लगातार प्रमुखता से दिखाया था और कल इस पूरे मामले में डीआईजी से भी बात हुई थी और डीआईजी ने सीधे तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले में कई टीमों को लगा दिया गया है जो बदमाशों की छानबीन कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। और इसी के साथ डीआईजी ने यह भी कहा था कि जल्द ही इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी और न्यूज ऑन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ और डीआईजी ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसी के साथ रायबरेली के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, जिसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी सीटों पर मिली हार के बाद में पंकज तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रायबरेली की सभी सीटों पर हार की जिम्मेदारी पंकज तिवारी ने अपने सर पर ले ली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायबरेली की सभी सीटों पर। दरअसल कांग्रेस हार गई है, जिसके बाद में हार की जिम्मेदारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपने सर पर ली और पंकज तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अमरोहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से जीतने के बाद अपने निवास स्थान कस्बा उजाली पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि अमरोहा की हसनपुर विधानसभा से विधायक और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कमाल अख्तर को पार्टी ने मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था, जहां से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को करीब 42,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। देखिए, मैं सबसे पहले कांठ की जनता का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड मतों से मुझे जिताया। मैं अपने सभी भाइयों बहनों का शुक्रगुजार हूं और मैं अपनी जन्मभूमि उजारी और उसके एक एक भाई बहन
मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी जिन्होंने 27 साल से राजनीति में मुझे जो प्यार मोहब्बत दिया और आज जो उन्होंने इस मौके के ऊपर जो मोहब्बत मुझे दिखाई है, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा उनकी खिदमत करता रहूंगा, ये मेरा वादा। वही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां ट्रेन से 6 लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों में जीआरपी ने रेस्क्यू किया। इन लड़कियों को 2 लोग ट्रेन के द्वारा बिहार से गुजरात के सूरत ले जा रहे थे। ट्रेन में जब दूसरे यात्री को शक हुआ तो उसने इन लड़कियों की जानकारी चाइल्ड लाइन को दी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन से जुड़े लोग एक्टिव हुए और जीआरपी की मदद से सभी लड़कियों का बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू किया गया। वहीं जीआरपी की टीम ने बताया कि इन लड़कियों को सूरत के एक मदरसे में पढ़ाई के लिए लेकर जा रहे थे। फिलहाल जांच टीम पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये चाइल्ड लाइन डायरेक्टर साहब का फोन आया मेरे पास कि अवध एक्सप्रेस में 6 लड़कियां D1 में हैं, उनके साथ 2 आदमी हैं, बच्चियां रो रही हैं, कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, चेक कराना है। मैंने कहा सर आ जाइए टीम के साथ। चाइल्ड लाइन डायरेक्टर साहब आए, जीआरपी और आरपीएफ टीम और जो है चाइल्ड लाइन टीम के साथ हम लोग गए। गाड़ी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई, D1 चेक किया गया जिसमें 6 बच्चियां मिली जिनके साथ 2 एडल्ट थे। इन्हें उतारा गया, दोनों से पूछा गया कि बच्चियों के नाम क्या हैं, तो ये लोग बच्चियों के नाम नहीं बता पाए। उसमें से एक आदमी ने बताया कि एक मेरी लड़की है, जो सरताज है उसकी एक लड़की है, तो उस लड़की से भी पूछा, बताया कि हाँ हमारे पापा हैं। अन्य लड़कियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसने बताया कि हमारे मामू लगते हैं, हमारे चाचा लगते हैं। हमने कहा ये किस गाँव के, बताया हमारे ही गाँव के हैं। हम लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो तुम लोग, बताया हम पढ़ने जा रहे हैं। पूजा कहाँ जा रहे हो पढ़ने, बताइए हम सूरत जा रहे हैं। ये बिहार से आ रहे हैं, सूरत जा रहे हैं। बिहार में कहाँ से आ रहे हैं? बिहार आ रहे हैं बराही गांव से, थाना बिथान में, जिला समस्तीपुर। और जा कहाँ रहे हैं? सूरत। किस गाड़ी से आ रहे हैं? वो गाड़ी नंबर है 0019038 जी। तो ये कितनी लड़कियों को लेके जा रहे थे? जी इसमें उसमें मेरा एक लड़की है और 2 गांव की लड़की है, 3 लड़की। कुल तो 5 लड़के हैं। 2 दूसरे वाले हैं। अच्छा, तो वो कैसे साथ में हुए? हाँ जी, वो कौन है? वो साथ में इसलिए हुए कि वो भी हमारे गांव का ही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अकबर। अच्छा, 3 लड़के को लेकर कहाँ जा रहे थे? सब गुजरात जा रहे हैं सर। कहा? वही पढ़ाने के लिए। कहाँ पढ़ाते? सूरत में। समस्तीपुर जिला जा रहे थे, जा रहे थे पता था गुजरात। गुजरात गुजरात जा रहे थे बच्चा पढ़ाने के लिए। किसके बच्चों पढ़ा रहे थे? मतलब हमारा साले का लड़की था, उसको पढ़ने के लिए देने जा रहे थे। साले का क्या नाम है? नाम नहीं जानते हम। साले की लड़की का भी नाम नहीं जानते? जी नहीं, चचेरा मेरा साला है। और मम्मी का नाम? तो कैसा साला है जिसकी लड़की का नाम नहीं जानते, उस लड़की को लेके जा रहे थे? हम उतना नहीं रहते गाँव घर में, जनाब हम उतना गाँव घर में नहीं रहते। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।